हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट मेट गाला 2023, जिसमें इस बार कई इंडियन सेलिब्रिटीज इनवाइटेड थे। ये साल का जो मेट गाला है ना, वो कई लोगों को बोरिंग लगा। रीजन बीइंग, प्रीवियस इयर्स की अगर आप लुक्स देखोगे ना लोगों के, तो वो लोग आउट ऑफ द वे जाके खुद को स्टाइल करते थे। बट दिस टाइम मोस्टली एवरीवन प्लेड सेफ। मेट गाला 2023's थीम वॉज कार्ल लैगरफेल्ड, अ लाइन ऑफ ब्यूटी। कार्ल वॉज अ फेमस फैशन डिजाइनर हु बिगन हिज करियर इन 1950s वर्किंग फॉर सेवरल टॉप फैशन हाउसेज। He started working for Chanel in 1983 and transformed this fashion house into an iconic luxury brand. दो काल काफी फेमस था, बट कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ही यूज टू बॉडी शेम वुमेन, वॉज एंटी इमिग्रेंट एंड इवन मेड सम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पीपल हु बिलोंग टू LGBTQ कम्युनिटी। Anyway, still Met Gala organizers thought of honoring him. ये साल के गाला के लिए ना, इंडियन सेलिब्रिटीज लाइक आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला, दिया मेहता वेर इन्वाइटेड। आलिया भट्ट का ये फर्स्ट मेट गाला था एंड शी वोर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस अडॉर्न्ड विद 1 लाख पर्ल्स। प्रबल गुरुंग ने ये ड्रेस को डिजाइन किया था। आलिया भट्ट वॉज लुकिंग स्टनिंग इन दिस ड्रेस। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई शनेल्स 1992 ब्राइडल गाउन। आलिया का ये लुक देख के काफी पॉजिटिव रिएक्शन लोगों ने दिए। शी इज लुकिंग अमेजिंग, ब्यूटिफुल, ब्रेथ टेकिंग गाउन। बट देन कुछ ऐसे भी लोग थे हु अक्यूज्ड हर डिजाइनर ऑफ कॉपिंग। इट वॉज सेड दैट इट इज कॉपी ऑफ डुआ लिपा, बिकॉज डुआ लिपा ने भी एक सिमिलर गाउन पहना था। इवन हर लुक वॉज इंस्पायर्ड बाई 1992 ब्राइडल ड्रेस। कॉमेंट्स लाइक, डुआ लिपा इंस्पो वॉज द सेम, शी कुड हैव चोजन समथिंग एल्स, डुआ लिपाज कॉपी। जब से प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला अटेंड करना शुरू किया है, तब से हर एक्ट्रेसेस आर रशिंग टू गेट देयर लाइमलाइट टू कॉपीकैट क्रिएटर्स। हियर आई वुड लाइक टू से कि जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉपी समवन एल्सेस लुक ड्यूरिंग मेट गाला, बिकॉज कारपेट में ही उनके लुक्स रिवील होते हैं। अगर सेलिब्रिटीज ने सेम डिजाइनर को हायर किया है तो चांसेस है, बट ये केस में डिजाइनर्स अलग थे। एंड ये आलिया भट्ट का पर्ल वाला ड्रेस ना कुछ दिनों में नहीं बना है, कई महीनों के एफर्ट्स इसके पीछे लगे हैं। एंड इस बार का मेट गाला आउटफिट्स अगर आप देखोगे तो कई रिपीटेशन आपको देखने मिलेगा। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि कई डिजाइनर्स ने डायरेक्टली शनेल के जो रनवे लुक्स हैं ना, उसको कॉपी किया है। कुछ इंस्पायर्ड थे, बट कुछ लोगों ने डायरेक्टली रेप्लिकेट किया है। एंड सेम हैपेंड विद आलिया भट्ट एंड डुआ लिपा। दोनों के डिजाइनर्स ने सेम ब्राइडल लुक को एज इंस्पिरेशन लिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेलिब्रिटी का भी लुक सेम था। बोथ आउटफिट्स वेर इंस्पायर्ड बाय क्लोई 1983 डिजाइन, हेंस दोनों सेम दिख रहे थे, सिर्फ कलर का डिफरेंस था। तो दिस ईयर इट हैपेंड अ लॉट। तो आलिया ने किसको कॉपी नहीं किया है? Other than that, of course, Priyanka has been part of many international events. But Met Gala में Priyanka गई, that doesn't mean कि उसे देख के दूसरे लोग भी जा सकते हैं। ये event में you have to get invited, then only you can attend it. And the guest list is made by the event's coaches, who are usually high-profile figures. For years, Khloe Kardashian was not invited to this gala because Anna Wintour, who has the final say in Met Gala, thought कि Khloe इतनी influential figure नहीं है, तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। Met Gala seats के ना tickets होता है जो खरीदना पड़ता है। Per person, almost 40 lakhs के ऊपर ये tickets जाते हैं। जनरली डिजाइनर्स जो होते हैं वो ये टिकट्स खरीदते हैं, देन दे डिसाइड कि कौन से सेलिब्रिटीज को इन्हें इनवाइट करना है जो उनका आउटफिट कारपेट पे पहन के वॉक करेंगे। जैसे प्रबल गुरुंग जो डिजाइनर है, ही बॉट टिकट्स एंड देन ही इनवाइटेड आलिया भट्ट। पास्ट ईयर्स में भी ही इनवाइटेड हर, बट शी सेड नो, पर इस बार शी सेड यस। प्लस आना विंटौर के पास ये डिसीजन ओवरराइड करने का भी पावर होता है। इफ शी थिंक्स जिन्हें इनवाइट किया गया है बाय डिजाइनर्स वो मेट गाला फिट नहीं है, देन शी कैन रिजेक्ट देम। So if Alia Bhatt got invited, so that doesn't mean ki wo Priyanka Chopra ko copy kari hai. Priyanka and I were talking about it yesterday and she's like, you get in and you find us. And I'm like, okay, definitely, because you're going to have to take me to the bathroom. I'm not going to be able to go by myself. And Alia ka ye jo specific look hai na, wo thode logo ko boring milega. So boring. I mean, it is her Met Gala debut. She should have experimented a little bit. Same inspiration was taken by Dua Lipa. But due to details, Dua looked more of what theme wanted. And Alia looked like some average bride. That was basic. Was expecting something much better, but this is just another outfit there. Nothing extravagant, which Met is all about. No experiments with makeup either. That's how she is dressed up for any award functions as well. Not hating her, just found this look ordinary. Abhi, in this case, I won't completely disagree. Yeah, she played safe. Met Gala uske crazy outfits ke liye famous hai. तो क्योंकि इस बार आलिया डेब्यू कर रही थी, तो थोड़ा स्टेटमेंट डिजाइन वो चुन सकती थी। बट ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये उसका फर्स्ट मेट गाला था। ऑब्वियसली थोड़ा वो नर्वस होगी एंड उसे कंफर्टेबल फील करना होगा ये इवेंट के दौरान, विच इज फेयर। दिस वॉज अर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मे बी कमिंग मेट्स के दौरान ना वो और एक्सपेरिमेंट्स करेगी अपने लुक्स के साथ। नेक्स्ट आती है ईशा अंबानी, हु वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन दैट आउटफिट। ईशाज आउटफिट वॉज ऑल्सो डिजाइन बाई प्रबल। एन इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस आउटफिट वॉज कार्ल्स कलर पैलेट एंड हिज लव फॉर पर्ल्स। ईशा की आउटफिट को इंडियन अटायर का टच भी उन्होंने दिया। ये एक साड़ी गाउन था एंड ईशा वॉज लुकिंग रॉयल इन दिस आउटफिट। देन प्रियंका चोपड़ा अटेंडेड दिस इवेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट बाय वैलेंटिनो। हियर दे स्टक टू कार्ल्स फेवरेट कलर थीम। प्रियंका चोपड़ा के ये लुक को मिक्स रिएक्शंस मिले हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये इतना फ्लैटरिंग नहीं लग रहा था। प्रियंका के पास्ट के मेट गाला लुक से कंपेयर करें तो ये काफी सेफ था। बट देन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये आउटफिट काफी पसंद आया।
फिर नताशा पूनावाला वोर दिस आउटफिट. शी वेंट ऑल आउट विद दिस वन. दिस आउटफिट ऑफ हर्स वाज डिजाइन्ड इन अ वे कि उसका जो फ्रंट पार्ट है ना वो एक कैट के ईयर्स की तरह दिखाई दे. काल के पास एक कैट थी जिसका नाम चॉपैट था. ही लव्ड हर अ लॉट. काल ने ये मेक श्योर किया कि उसके जाने के बाद भी इस कैट इज टेकन केयर ऑफ. इसी वजह से अपने वेल्थ का एक बड़ा पोर्शन उसने चॉपैट के नाम किया था. ये मेट गाला में कई लोग जैसे डोजा कैट ने भी खुद को एक कैट में ट्रांसफॉर्म किया था. तो नताशा पूनावाला का आउटफिट भी ये कैट से ही इंस्पायर था. सैडली नताशा के केस में उसके लुक को इतना मीडिया अटेंशन नहीं मिला. देन दिया मेहता भी इवेंट में गई थी जो श्लोका मेहता की सिस्टर है. शी वोर दिस ब्लैक एंड ग्रीन सैटिन आउटफिट विच वॉज अगेन डिजाइन बाई प्रबल गौरंग. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि इस बार के जो मेट गाला लुक्स थे वो आपको कैसे लगे. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.